बॉलीवुड में एक साल में सबसे ज्यादा फिल्में बनाते हैं अक्षय कुमार, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक साल में सबसे ज्यादा फ्लॉप फिल्में देने का रिकॉर्ड किसका है? अगर नहीं जानते तो वीडियो के एंड तक बने रहना। लिस्ट में नंबर 3 पर आते हैं बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार। अब आप में से ज्यादातर लोग ये सोच रहे होंगे कि इनको तो नंबर 1 पर होना चाहिए था, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 90s के समय में शाहरुख और आमिर जैसे एक्टर एक साल में कई कई फिल्में करते थे। तो अक्षय कुमार ने 2004 में लगभग 5 मूवी फ्लॉप दी थी, जिसमें पुलिस फोर्स, आन और अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों जैसी फिल्म भी शामिल है। और दूसरे नंबर पर एक साल में सबसे ज्यादा फ्लॉप मूवीज दी हैं अभिषेक बच्चन। इस साल ओटीटी पर इनकी एक फिल्म रिलीज हुई थी दसवीं, जिसको लोगों से अच्छा रिस्पांस मिला। 2003 इनका सबसे पनौती वाला साल था, क्योंकि इस साल इनकी 5 मूवीज फ्लॉप गई, जिनमें इनकी मैं प्रेम की दीवानी हूँ, जमीर और एलओसी कारगिल जैसी मूवीज भी शामिल है। और इसी के साथ लिस्ट में नंबर 1 पर आते हैं अजय देवगन। इनकी बॉलीवुड डेब्यू फिल्म फूल और कांटे के सुपरहिट जाने के 2 साल बाद इन्होंने करीब 8 फिल्में करी, जिनमें से इनकी 7 मूवी फ्लॉप गई, जिनमें से इनकी कुछ फ्लॉप फिल्मों के नाम है दिव्य शक्ति, प्लेटफॉर्म और एक ही रास्ता। एक साल में 7 मूवी का फ्लॉप जाना कोई सदमे से कम नहीं। अब आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट में जरूर बताएं।